बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंकिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में। बैंकिंग के एमसीक्यूज़ सेकेंड ईयर कॉमर्स के किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। ये एक मॉडल पेपर है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेंट का, तो इसमें मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ और इस पर मार्क भी करता जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले इसमें फंक्शन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक यानी जैसे स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, वो क्या करता है, एडवांस करता है लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय, यानी बैंक्स को जो कमर्शियल बैंक को वो लोन देता है वो कब देता है, क्लियरिंग हाउस के बाद, मेंटेनिंग कैश रिजर्व, रीडिस्काउंटिंग बिल या आपका ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल जब होता है तो जब बैंक क्या करता है उनको ऑफर कर रहा वो दे रहा होता है, लोन दे रहा होता है। कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मीन्स के लोन दे रहे होते हैं मार्केट में बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के जरिए, बाय एडवांसिंग लोन, बाय इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट को बाय एडवांसिंग लोन, लोन देकर। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास एक्सचेंज बैंक डील इन, एक्सचेंज बैंक जो है किस चीज़ में डील करते हैं, एक्सचेंज बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज को डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद करंट अकाउंट इज सूटेबल फॉर, करंट अकाउंट किसके लिए बेहतर है, हाउस वाइफ, बिजनेस कम्युनिटी, सैलरीड पर्सन या नन ऑफ द अबव। आमतौर पे ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी करंट अकाउंट खुलवाती है क्योंकि उनकी डेली की ट्रांजेक्शन होती है और पैसे वो ज़्यादा रखते नहीं है बल्कि पैसे जमा भी करवाते रहते हैं और निकलवाते भी रहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट की लालच नहीं होती है, तो वो करंट अकाउंट जो है वो खुलवाते हैं ज़्यादातर, तो बिजनेस कम्युनिटी को उसकी ज़्यादा नीड होती है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रिएट करता है फॉलोइंग मनी, कौन सी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, मेटालिक मनी या नन ऑफ द अबव। कमर्शियल बैंक हमेशा याद रखिएगा पेपर मनी दे रहा होता है, ठीक है, क्रिएट्स करता है द फॉलोइंग मनी, पेपर मनी तो स्टेट बैंक देता है आपका, ये समझिए कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट मनी भी दे रहा होता है। तो इसका आंसर है कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मीन्स देता है वो पेपर मनी, लेकिन पेपर मनी का काम जो है स्टेट बैंक का होता है इसलिए हम उसको कहेंगे क्रेडिट मनी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली प्रोवाइड टू सेविंग अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट होल्डर या फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स, ये ज़्यादातर करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जा रहा होता है। क्रेडिट मनी इन द कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय, क्रेडिट मनी किसकी तरफ से कंट्रोल की जाती है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक या एग्रीकल्चर बैंक। तो याद रखिए क्रेडिट मनी कौन कंट्रोल करता है, ज़्यादातर सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को वार्निंग देकर या फिर इंटरेस्ट को बढ़ाकर या कोई और टूल जो है वो इस्तेमाल करता है। क्लियरिंग हाउस रिड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ, क्लियरिंग हाउस जो है वो क्या करता है, मूवमेंट किस चीज़ की मूवमेंट रिड्यूस करता है, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, बार्टर या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर क्या करता है मूवमेंट ऑफ पेपर मनी की मूवमेंट को क्या करता है कम करता है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1948, पाकिस्तान बनने के एक साल बाद एस्टेब्लिश हुआ स्टेट बैंक। शेड्यूल बैंक मीन्स अ बैंक विच इज रजिस्टर्ड विद, शेड्यूल बैंक का मतलब होता है कि जो कि रजिस्टर्ड हो किससे, सेंट्रल बैंक के साथ, ये इसका आंसर है। ऑन विच अकाउंट अ बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट, किस अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता, करंट अकाउंट पर। इसके बाद फिर है कि एन अकाउंट होल्डर डज नॉट नीड टू राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम डैश, किसी अकाउंट होल्डर्स को ज़रूरत नहीं होती चेक लिखने की विड्रॉ मनी के लिए, अकाउंट होल्डर डज नॉट नीड टू राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या नन ऑफ द अबव। इनमें से इसका कोई भी नहीं है।
इसके बाद देखिए, विच थिंग कैन बी एक्सेप्टेड बाय बैंक एज सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन जब दे रहा होता है बैंक, विच थिंग्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय बैंक, कौन सी चीज़ बैंक की तरफ से एक्सेप्ट की जाती है एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जब वो लोन दे रहा होता है। प्रेशियस मेटल, प्रॉपर्टी, शेयर इन सिक्योरिटी पेपर्स या ऑल ऑफ द अबव। प्रेशियस मेटल, प्रॉपर्टी, शेयर एंड सिक्योरिटी पेपर्स, इनमें कोई सी भी चीज़ जो है वो बैंक की तरफ से सिक्योरिटी के तौर पर रखी जा सकती है, इसलिए इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसके बाद फिर आपके पास मेन यूज़ ऑफ बैंक फंड्स आर, बैंक के फंड्स के मेन यूजेस कौन कौन से हैं। एडवांसिंग लोन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। द बैंक मेन यूज़ ऑफ बैंक फंड जो है मतलब कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एडवांसिंग लोन के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बोथ ए बी होगा। अ चेक विच कैन नॉट बी इन कैश एट बैंक काउंटर, इन कह इनमें से कौन सा चेक जो है वो कैश नहीं हो सकता बैंक के काउंटर पर। बियर अ चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर या प्लेन। क्रॉस चेक, क्योंकि ये क्रॉस होता है तो ये कैश नहीं किया जा सकता, ये बल्कि उसी के अकाउंट में जाएगा जिसके नाम पे वो लिखा गया है। इफ ड्रॉवर ऑफ अ चेक इज पेई हिमसेल्फ देन व्हाट वर्ड इज रिटन आफ्टर द वर्ड पेई। कह रहे अगर ड्रॉ करने वाला, चेक ड्रॉ करने वाला वो खुद ही पेई हो, यानी अपने आप को ही ट्रांसफर करा हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेल्फ का यूज़ करते हैं, पे सेल्फ। और क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, क्वालिटेटिव मेथड जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती। दो मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में कह रहे हैं कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, पब्लिसिटी, मोरल पर्सुएशन, डायरेक्ट एक्शंस, बैंक रेट पॉलिसी। डायरेक्ट एक्शंस, बैंक रेट पॉलिसी, पब्लिसिटी, ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव मेथड हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला नहीं है। पब्लिसिटी नहीं है। इलिटरेट पर्सन प्रोवाइड्स टू बैंक फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन। इलिटरेट पर्सन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बैंक को अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या, मैरिज सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन या फोटोग्राफ, ठीक है। तो वो थंब इम्प्रेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रहे होते हैं या फोटोग्राफ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए थंब इम्प्रेशन। व्हाट स्टैंड फॉर ओटीपी इन ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, ओटीपी क्या होता है, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड या ऑनर इज ट्रेडिंग पासवर्ड, ऑन टाइम, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन कोड। ये क्या होता है, वन टाइम पिन कोड होता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक विच कंटेन्स द नेम ऑफ पार्टिकुलर बैंक इज कॉल्ड रेगुलर क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, इरेगुलर या स्पेशल क्रॉसिंग। ऐसी क्रॉसिंग जिसमें के बैंक का नाम भी लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर या इरेगुलर क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग, उसको हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज रिटन, रजिस्टर, ओरल। ओरल तो खैर नहीं होती, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडोर्समेंट जो होती है हमेशा रिटन होती है। बैंक पेज कैश मनी एट इट्स काउंटर फॉर, बैंक पे करता है कैश मनी काउंटर पर, कैश मनी एट इट्स काउंटर्स फॉर। आउटडेटेड चेक नहीं, बियरर चेक, क्रॉस चेक या नन ऑफ दिस। क्रॉस चेक पे तो पैसे हमें नहीं मिलते, बियरर चेक जो होता है यानी जिसके हाथ में कैश चेक है तो उसी को पैसे मिलते हैं। इसके बाद फिर है सेफेस्ट चेक फॉर मेकिंग पेमेंट टू अ पार्टिकुलर पर्सन फर्म इज। सेफेस्ट चेक जो होता है मनी पेमेंट के लिए फॉर मेकिंग पेमेंट टू पार्टिकुलर पर्सन फर्म इज। बियरर चेक, क्रॉस चेक,
ऑर्डर चेक किया ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखिएगा क्रॉस चेक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है मेकिंग पेमेंट्स के लिए। Bill of exchange which is paid after the expiry of fixed period time is called bill of exchange, जो कि पे किया जाता है after expiry of fixed period के, उसको हम क्या कहते हैं, accommodation bill, site bill, time bill या all of the above। अगर after expiry of fixed period of time है is called time bill। Bill of exchange is written order which is always unconditional होता है हमेशा। The instrument issued by importing country bank in foreign trade is called ऐसा instrument जो कि the instrument issued by importing country की तरफ से जो instrument issue किया जाता है in foreign trade में, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इम्पोर्टर इसको ओपन करवाता है। तो ये थे हमारे MCQs मॉडल पेपर के बैंकिंग के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।